हेलो फ्रेंड्स, इकरार गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कैलेंडुला की सीड को आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये विंटर सीज़न फ्लावरिंग प्लांट है। गर्मी बढ़ने से फूल इसका धीरे धीरे छोटा होने लगता है और फूल मुरझाने के बाद सीड पॉट में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए वीडियो में देखते हैं सीड पॉट इसका कैसा होता है। अभी जो हमारे सामने है ये एक येलो कलर का है कैलेंडुला, और इसमें आप देख रहे हैं ये फूल सूखने के बाद बीज बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए अभी ये हरे हरे हैं और ये धूप में गर्मी में ये सूख जाते हैं धीरे धीरे, और सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं। जैसे इसमें यहाँ पे एक सूखा फूल लगा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। लेकिन इसमें बीज हमें लग रहा है इसके बीज अभी बने नहीं है। इसमें इतने दूसरे बीज आपको दिखाते हैं, इसमें बीज सूखा हुआ ये देखिए नीचे इसमें पड़ा हुआ है। ये भी इसी के तरीके से है, जैसा आप देख रहे हैं हरा हरा, ये सूखने के बाद इस तरीके से हो जाता है। आपको क्या करना है, तोड़ेंगे नहीं, इसको भी नहीं तोड़ेंगे, इसको सूखने का इंतज़ार करेंगे। चलिए हम दूसरे दो प्लांट हैं मेरे पास और, जिसमें हम दिखाते हैं कि कैसे आपको बीज को कट करना है। ये देखिए एक येलो कलर में है ये भी, और इसका भी बीज देखिए अभी सूख रहा है, सूखा नहीं है पूरी तरीके से, हरा है। तो हम आपको दिखाएंगे सूखे हुए बीज को आपको कैसे कट करना है। तो इसमें हम आपको ले चलते हैं ये दूसरा पेड़, इसमें देखिए ये देखिए नीचे एक है सूख चुका है पूरी तरीके से, ये लटक रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे से कट कर लेंगे इस तरीके से, इसको हम निकाल लेंगे निकाल। ये देखिए पूरी तरीके से सूख चुका है। इस तरीके के सूखे हुए बीज ही हमको निकालना है। ये देखिए पूरी तरीके से सूख चुका है बीज, और कुछ बीज हमने पहले से भी निकाल के रखे हुए थे। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसको अभी, ये देखिए हम प्लांट से सीड पॉट को निकाल चुके हैं। अभी सीड पॉट जो है हमारे हाथ में है, और हम आपको दिखाएंगे इससे सीड पॉट से सीड को कैसे आप बाहर निकालेंगे। इसमें क्या करना है आपको, ये डंडी को अब यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। अभी ये देखिए ये डंडी हम हटा देंगे, और इसमें हल्के हाथों से इसके एक एक बीज को अलग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और इसमें जो फ्रेश सूखे हुए बीज हैं उसी को हम रखेंगे, बाकी जो ख़राब बीज हैं उनको हटा देंगे। ये ख़राब जो सीड हैं उनको हमें नहीं रखना है, इसमें जो सूखे हुए फ्रेश सीड हैं उन्हीं को रखना है। इसी तरीके से एक मेरे पास और पहले से रखा हुआ है सीड पॉट, उसको भी अभी हम आपके सामने खोल के दिखाएंगे। इसको अलग कर लेते हैं। ये देखिए एक सीड पॉट मेरे पास पहले से निकला रखा हुआ था, ये देखिए अभी हम इसको भी अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको अलग कर लेना है, हल्के हाथों से इसको निकाल लेना है। इस डंडी को हटा दीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। इस सूखे सूखे सीड को ही निकाल करके आपको अलग रख लेना है। ये देखिए हमने कुछ फ्रेश सीड जो अलग निकाल के पहले से रखे हुए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अभी हम इसको अलग कर देते हैं, इसको हम बाद में साफ़ कर लेंगे, फिर इसको अलग करके पन्नी में रख लेंगे। एक छोटा सा पॉली बैग आता है जिपर टाइप का, उसमें आप इजीली रख सकते हैं। ये देखिए हमने पहले से रखा हुआ है इस तरीके के जिपर में, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश सीड हैं, बहुत ही अच्छे सीड हैं ये, सूखे सूखे।
इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है और इसको आप आसानी से रख सकते हैं, इसमें कोई भी फंगस नहीं लगने वाला है। अगर आप मॉइस्चर वाले सीड को रखेंगे तो उसमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको इसी तरीके से जो सीड निकाले हैं इसको साफ़ कर लेना है, इसमें सूखे ही सीड रखने हैं आपको। ये देखिए जो भी हमने निकाला है, इस तरीके की छोटी पन्नी में आप आसानी से नाम लिख करके इसका रख सकते हैं।